दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने लैपटॉप या पीसी में इंटेल ग्राफिक्स ड्राइवर को किस तरीके से मैन्युअली डाउनलोड कर सकते हैं और उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो पूरा मैं प्रोसेस आपको बता देता हूँ। तो बिना समय गवाए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप अपने ब्राउज़र में चले जाइए, वहाँ पे सर्च कीजिए इंटेल डाउनलोड्स। ठीक है, सबसे पहले जो आपको वेबसाइट आएगी इंटेल की ऑफिशियल साइट, उस पर क्लिक कीजिए। इसके बाद जैसा कि हमें ग्राफिक ड्राइवर्स डाउनलोड करने हैं, तो ग्राफिक्स ड्राइवर पे क्लिक कीजिए। अब यहाँ पे हमारे सामने प्रॉब्लम स्टार्ट होती है कि हमें कौन सा ड्राइवर और क्या कैसे डाउनलोड करना है। तो उससे पहले हमें डायरेक्टली यहाँ पे सर्च कीजिए अगर आपके यहाँ पे होता है तो, नहीं तो रन के अंदर जाइए आप और रन के अंदर सर्च कीजिए DXDIAG और एंटर कर दीजिए। इसके बाद आपके सामने एक ये पॉपअप विंडो आ जाएगा। इसके अंदर आप यहाँ पे देखिए कंप्यूटर नेम, ऑपरेटिंग सिस्टम, लैंग्वेज, सिस्टम मैन्युफैक्चरर, सिस्टम मॉडल, बायोस और प्रोसेसर। या आप ये देख सकते हैं प्रोसेसर इंटेल कोर i5 का प्रोसेसर है। यहाँ पे आप देखिए i5 के बाद जो 7200 लिखा है, 7000 का जो 7 है वो उसकी जनरेशन को बताता है कि कौन से जनरेशन का प्रोसेसर है। तो मैं 7000 लिखा है तो डेफिनेटली ये 7th जनरेशन का प्रोसेसर है i5, और आपके यहाँ 6 हो सकता है, 2 हो सकता है, तो वो उसकी जनरेशन शो करता है। तो जैसे कि यहाँ 7th जनरेशन का i5 प्रोसेसर है मेरे अंदर, जैसे कि मैंने यहाँ पे चेक कर दिया। तो फिर वापस से वहीं पे जाते हैं और यहाँ पे व्यू बाय प्रोडक्ट में जाके यहाँ पे देखिए, जैसे मैं ग्राफिक्स फॉर 7th जनरेशन इंटेल प्रोसेसर था तो यहाँ पे मैंने क्लिक किया। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है कि यहाँ पे हमें ये और चूज़ करना रहता है। तो इसके लिए उसी के अंदर आप सिस्टम के पास डिस्प्ले लिखा है वहाँ पे जाइए। यहाँ पे आपको ग्राफिक्स इंटेल HD ग्राफिक्स का नंबर्स लिखे है, 620 मेरा नंबर है। आपके अंदर कुछ और हो सकता है तो आप यहाँ पे देख के वहाँ पे जाइए, 620 मेरे पे था तो ये रहा इंटेल HD ग्राफिक्स 620, इस पर क्लिक कीजिए और यहाँ पे डाउनलोड टाइप वही है, ड्राइवर ऑपरेटिंग सिस्टम चूज़ करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि डायरेक्टली यहाँ पे विंडोज़ 10 पर ये वर्क करेगा। यहाँ पे दे रखा है साफ साफ, और इस पर आप डाउनलोड के लिए क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पे आपको अवेलेबल डाउनलोड्स दिखा रहा है दो ऑप्शन, तो आप डायरेक्टली जिप फाइल में भी कर सकते हो और यह एप्लीकेशन डायरेक्टली ड्राइवर के तौर पे भी इसको ले सकते हैं। तो आप मेरी माने तो जिप फाइल में लेना लेना चाहिए इसको। तो आप इसको सिंपली डाउनलोड कर दीजिए। डाउनलोड करने के बाद आप इसको जहाँ पे ये इंस्टॉल है वहाँ पे आप जाके इसको ओपन कर दीजिए, रन एस एडमिनिस्ट्रेशन, जहाँ पे भी ये डाउनलोड होने के बाद तो सिंपली ये रन हो जाएगा। फिर आपके जो भी गेमिंग वगैरह रहती है आप उसको बिना किसी रुकावट के यूज़ कर पाएंगे। तो ये सिंपल सा एक ट्यूटोरियल था दोस्तों, ताकि आप जान सको कि कैसे मैं डाउनलोड कर सकते हैं और हम इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। कुछ भी आपको प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। वंदे मातरम।